बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों को कथक सिखाकर अपने इशारों पर नचाने वाली मशहूर कथक डांसर सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। धनु से कथक क्वीन का खिताब हासिल करने वाली विख्यात नृत्यांगना सितारा देवी का आज जन्मदिन है। तो चलिए आपको उस शख्सियत के जीवन से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी कथक कला से पूरी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। भारत में वैसे तो नृत्य की कई विधाएं प्रचलित हैं, लेकिन कथक की बात ही जुदा है। इसे क्लासिकल नृत्य की विधा में सबसे ऊपर माना जाता है। सितारा देवी इसी विधा की मल्लिका के रूप में मशहूर थी। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से वाराणसी से था। उनके पिता सुखदेव महाराज भी एक कथक नृत्यकार और संस्कृत के विद्वान थे। उनके तीनों बेटियों ने कथक को अपनाया, पर उनमें से केवल सितारा, जिसने कथक गुरु लच्छू महाराज से गुर सीखे थे, आगे चलकर एक बड़ा नाम बनी। फिल्मों में काम करने के दौरान निर्माता निर्देशक के आसिफ के साथ उनकी गहरी दोस्ती हुई। ये दोस्ती बाद में विवाह में बदल गई। हालांकि ये जोड़ी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। सितारा देवी के कथक में बनारस और लखनऊ घराने के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। वह उस समय की कलाकार है जब पूरी पूरी रात कथक की महफिल जमी रहती थी। ये भी उल्लेखनीय है कि सितारा देवी न सिर्फ कथक बल्कि भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत थी। उन्होंने रूसी बैले और पश्चिम के कुछ और नृत्य भी सीखे थे। सितारा देवी को 1969 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। 1975 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई, लेकिन उन्होंने ये इसे कहकर ठुकरा दिया कि इस जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा है और भारत रत्न से कम की उम्मीद नहीं रखती। 94 साल की उम्र में 25 नवंबर 2014 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आज भी उनका नाम लेते ही आंखों के सामने उनका चेहरा, उनकी मनमोहक भाव भंगिमाएं छा जाती हैं और वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।